हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो अब हम लोग करने वाले हैं अपने 5 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और विद कंसेप्ट चलते हैं हम लोग। छोटू सा आपका प्रैक्टिस सेट रहता है, कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन है आपके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या रखा है कि द मोर ही अर्न द मोर ही वॉन्ट टू अर्न। ठीक है, बताइए कौन से पार्ट में एरर है या नो एरर है, ए बी सी डी। कि द मोर ही अर्न, जितना वो कमाता है उतना ही क्या है, वो उतना कमाना चाहता है। ठीक है, द वॉन्ट टू अर्न, ठीक, ये मीनिंग हो गया आपका। द मोर होता नहीं, द मोर वाले जितना उतना वाले सेंटेंसेस हो गए होते हैं आपके, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लगी होती, द मोर होता है। तो द मोर ही अर्न द मोर ही वॉन्ट टू अर्न, अब बताइए कहाँ पर एरर आ रही है आपकी। देखिए द मोर के बाद आपका क्या लगा है, द मोर लिखा है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगा है, ये ही लगा है, उसके बाद क्या लिखा है, अर्नड लिखा है। क्या लिखा है, द मोर ही अर्नड, वर्ब लिखी है आपकी सेकंड फॉर्म, यानी ये क्या है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है आपका। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या लिखा है, द मोर ही अर्नड द मोर ही वॉन्ट टू अर्न द मोर, यहाँ तक सही है ही। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, तो हमें दोनों तरफ सेम रखना होता है कि सब्जेक्ट के बाद दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। एक ही सेंटेंस आपका चल रहा है कि जितना वो कमाता है उतना ही कमाना और भी ज़्यादा चाहता है। ठीक है, द मोर ही अर्न द मोर ही वॉन्टेड टू अर्न। ठीक है, टू अर्न तो सही है, ये आपका टू अर्न सही है, इन्फिनेटिव टू अर्न, कमाना चाहता है। ठीक है, लेकिन वॉन्टेड आपका जो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितना वो कमाता है उतना कमाना चाहता है, मेन वर्ब आपकी क्या है, वॉन्ट, यहाँ पर अर्न था, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग वॉन्टेड कर लेंगे। दोनों तरफ सेम रखेंगे तो कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी आपकी, वॉन्ट की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, वॉन्टेड कर लेंगे। ठीक है, वॉन्टेड करेक्ट हो जाएगा, वॉन्टेड टू अर्न। ठीक, दोनों तरफ सेम कर लेंगे, क्योंकि पास्ट में आपका अगर इधर भी अर्न होता तो वॉन्ट टू अर्न ये सही हो जाता फिर, लेकिन इधर अर्नड है तो इधर भी हमारा क्या होगा, वॉन्टेड टू अर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाई मंडे। कि प्रोजेक्ट क्या है, वो बहुत टफ है, इसलिए मैं क्या हूँ, एबल नहीं हूँ, या मैं नहीं कर सकता हूँ कंप्लीट इट बाई मंडे, मंडे तक मैं नहीं कर सकता हूँ, भाई प्रोजेक्ट क्या है, बहुत टफ है। स्कूल में ऐसा होता नहीं है, आप लोगों ने करा होगा बहुत, कि मैम दे देती हैं प्रोजेक्ट या सर स्कूल से मिलता है और फिर आप लोग ये घर पे कहते हैं भैया मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझसे छोटे बड़े भाई बहन को क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मेरा काम कर दो, मंडे तक का टाइम मिला है, टीचर ने कहा है डांटेंगे, ये करेंगे। तो बड़े तो होते ही हैं भाई, डांटते भी लेकिन प्यार भी करते हैं, तो छोटों का क्या है, प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं, ये चार्ट बन रहे हैं, वो फाइल बन रही है, और छोटे आराम करते रहते हैं। तो वही क्या है, प्रोजेक्ट का इतना टफ है कि मैं मंडे तक कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, ये कहा गया है। तो कौन से पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है। देखिए द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कम्प्लीट इट बाई मंडे। बाई मंडे सही है कि मंडे तक मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट दे रखा है आपका बाई मंडे। ठीक है, आई का आपको यहाँ पर एरर मिल रही है हमें बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पर लिखा है कैन नॉट, कैन नॉट भी लिखा है और एबल भी लिखता है, इसका मतलब भी क्या होता है, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, और इसका मतलब भी एबल, नहीं हूँ मैं योग्य, नहीं हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, तो इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग भी यही है। तो आप क्या करेंगे, एंड आई कांट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाई मंडे। ठीक, आई कैन नॉट कंप्लीटेड बाई मंडे, बी एबल हटा देंगे, क्योंकि बी एबल का मीनिंग भी यही है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और कांट तो आपने पहले से ही लगा दिया कैन नॉट, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। एंड आई कैन नॉट कंप्लीटेड बाई मंडे, मैं ये मंडे तक नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कैन नॉट आपने लगा दिया है तो एबल लगाने की नीड नहीं है, कैन नॉट बी एबल, कैन नॉट का मीनिंग हो गया नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, योग्य नहीं हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। ठीक है, तो एबल हटा देंगे और कैन नॉट भी लगा रहने देंगे, तो आई कैन नॉट कंप्लीटेड बाई मंडे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आपका हट जाएगा, बी वाले पार्ट में आपका हट जाएगा, ये हटा देंगे, कांट रखेंगे। ठीक है, कांट रखेंगे, ये एबल हटा देंगे, तो एंड आई कांट कंप्लीटेड बाई मंडे। ठीक, समझ गए आप लोग, एबल नहीं लगाएंगे क्योंकि कैन नॉट तो इन्होंने पहले ही लगा दिया है, कैन नॉट बी एबल। ठीक,
दो चीज़ें, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, इसीलिए दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। कि मैच खत्म होने के बाद क्या है कि सभी प्लेयर्स जो थे, एवरी टीम प्लेयर वेंट बैक टू इट्स हाउस, ठीक है, चले गए अपने घर की, घर पे चले गए सब लोग, मैच ओवर हो गया तो अपने अपने घर, ठीक। तो बताइए कहाँ पर एरर आ रही है। आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, ठीक है, एवरी प्लेयर ऑफ द टीम सही है, टीम का प्रत्येक प्लेयर जो था वेंट, चला गया बैक टू इट्स हाउस, ठीक है, हाउस अपने घर लौट गया, ठीक है। बताइए, देखिए ये जो सी वाला पार्ट है इसमें आपका क्या दे रखा है, सी वाले पार्ट में आपका दे रखा है इट्स। इट्स हम लोग किसके लिए लगाते हैं, इट्स लगाते हैं एनिमल्स के लिए, हो गया एनिमल्स, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हो गए, स्मॉल एनिमल्स हो गए, या एनिमल्स ही हो गए, ठीक, एनिमल्स हो गए आपके, या नॉन लिविंग थिंग आपकी कोई हो गई, नॉन लिविंग थिंग उसके लिए लगाते हैं ना, उसके लिए लगाते हैं आपका इट्स। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, क्या है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के लिए इट नहीं लगेगा, ठीक, ह्यूमन बींग्स के लिए इट नहीं लगेगा कि वो प्लेयर्स हैं, तो इट्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिज और हर, लग दोनों में से कोई चीज़ लगाते हैं, लेकिन हम मस्कुलिन जेंडर जो होता है वो प्रिफर होता है, सबसे पहले हम लोग कुछ भी नहीं दे रखा है तो हिज को प्रिफर करेंगे, हिज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर द मैच एवरी के अकॉर्डिंग हम लोग हिज लगाएंगे, देयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एवरी प्रत्येक है ना, तो प्रत्येक के अकॉर्डिंग सिंगुलर आपका सब कुछ लगेगा। तो एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू हिज हाउस, ठीक, अपने अपने घर चले गए, ठीक, हिज हाउस उनके घर चले गए, हिज आएगा, हिज या आर में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, वैसे हिज को प्रायोरिटी करिएगा, और इट्स नहीं लगेगा क्योंकि इट्स तो आपको एनिमल्स के लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, ह्यूमन बींग्स के लिए इट्स नहीं लगता है, क्योंकि ये जो इट्स है वो शो कर रहा है प्लेयर्स को, प्लेयर्स के लिए लगा है कि वो अपने अपने घर चले गए, तो इट्स नहीं आएगा, इसकी जगह हिज आएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज, कि हम वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे, हम उन्हें नहीं समझ सके कि मतलब वो क्या कैसे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे चाइनीज में, ठीक, इसलिए हम उन्हें नहीं समझ सके। चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एरर के लिए ए बी सी या फिर नो एरर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, बताइए। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ए वाला पार्ट देखिए आप, वी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, कुड नॉट आपकी जो वर्ब दे रखी है वो मॉडल वर्ब, अंडरस्टैंड आपका वही हो गया, समझ सकते हैं, ठीक, अंडरस्टैंड हो गई वर्ब, दे, अब ये जो दे रखा है, दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए कि हम उन्हें समझ नहीं सके, उन्हें, उन्हें कौन है, ऑब्जेक्ट है, वी तो सब्जेक्ट है, हम उन्हें नहीं समझ सकते, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का देम, देम होता है ना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, हम उन्हें समझ नहीं सके कि वे क्या कह रहे थे, अब दे यहाँ पर दे सही है कि वे क्या कह रहे थे, यहाँ पर दे सही है, यहाँ पर वर का वर जो वर्ब आपकी है इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, दे, लेकिन कुड नॉट, कुड का वर्ब क्या है, वो, कुड का सब्जेक्ट क्या है, वी, हमें चाहिए है अंडरस्टैंड वर्ब के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट कि हम उन्हें समझ नहीं सके, हम उन्हें नहीं समझ पाए क्योंकि वो क्या थे, चाइनीज में बोल रहे थे, ठीक है, तो दे की जगह पर दे होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देम लगा देंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, कहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट केस लगेगा, ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, ये रूल भी आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक, क्या कहा गया कि जैसे ही मैं मतलब स्टेशन पहुंचा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जो थी छूट चुकी थी, जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, कौन से ऑप्शन में आपकी एरर है, ए बी सी या नो एरर है, कि जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही ट्रेन क्या थी, छूट गई, निकल गई ट्रेन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाले आपके होते हैं, कौन से, नो सूनर, नो सूनर वाले,
नो सूनर, और एक होता है हार्डली स्कार्सली, होता है ना हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली। नो सूनर के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? नो सूनर के बाद हम लोग लगाते हैं देन, और हार्डली स्कार्सली के बाद हम लोग लगाते हैं वेन, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नो सूनर के बाद हमेशा देन फॉलो होता है, हार्डली स्कार्सली के बाद वेन फॉलो होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा आपकी एरर बनती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। देन आएगा, वेन नहीं आएगा। वेन आता है आपका हार्डली स्कार्सली के साथ, और देन आता है नो सूनर। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ई आर है ना सूनर, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं तुलना करने के लिए। क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, सूनर आपका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। वेन नहीं आएगा इसके साथ, क्या आएगा? देन। तो कौन से ऑप्शन में आपकी एरर हो जाएगी? यहाँ पर सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। वेन की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे? देन कर लेंगे, ठीक। और ये याद रखिए कि जब भी हार्डली स्कार्सली होगा और देन दे रखा है तो तुरंत हटाकर उसको वेन कर लीजिए, और अगर नो सूनर दे रखा है और वेन दे रखा है तो वेन को हटाकर देन कर लीजिए, बस। और यही ये इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, बेसिक एरर आपकी होती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देन कहाँ लगेगा, वेन कहाँ लगेगा। ऐसे आप याद रखेंगे कि ई आर है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो देन उनके साथ ही रखता है, कंपेरिजन किया जाता है दो लोगों में देन का, इसीलिए देन लगाएंगे, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन थे, सारे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये देखते रहिए, मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहिए।